पंजाब के सारे एंट्री पॉइंट आते हाईटेक नाकेबंदी। नशा खिलाफ पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन सी थ्री। चार राज्यों की पुलिस के नाल तालमेल, शक्की व्यक्तियों तो की जा रही है पुछगिछ, ते सारे वाहनों की की जा रही है चैकिंग। नशियां ते शरारती अंसरां ते शिकंजा कसण लई तस्करां ते शिकंजा कसण लई पुलिस वल्लों ऑपरेशन सील 3 चलाया जा रहा है, जिस दे तहत पंजाब च नाकेबंदी की गई है ते हाईटेक नाकेबंदी यह दसी जा रही है। तुहानू यह भी दस दईए कि खुफिया जानकारी भी पुलिस नू मिली कि नशियां अते हथियारां दी तस्करी होनी है, जिस दे तहत कई जिलों च ऑपरेशन सील तहत चैकिंगा कीतियां जा रही ने, जिस दे आधार ते पंजाब पुलिस ने चार राज्यां दी सरहद अते पाकिस्तान सरहद नाल लगदे इलाकियां च अंतरराज्जी नाकाबंदी की हुई है। पूरी जानकारी लई तुहानू दस दईए शनिवार सवेर तो ही पंजाब पुलिस सारे वाहनां दी चैकिंग कर रही है अते शक्की व्यक्तियों तो पुछगिछ की जा रही है। यह सर्च ऑपरेशन ऑपरेशन सील 3 के तहत सूबे भर च चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन का मुख मकसद सिर्फ नशिया पर काबू पाना है। ऑपरेशन सील के तहत पंजाब पुलिस ने चार राज्यों नाल लगते 10 के करीब जिलों च अंतरराज्जी नाकाबंदी की है अते यह जिले पंजाब के नाल लगते हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश अते राजस्थान ने। पुलिस यह गल भी कह रही है कि तस्कर पंजाब राही इन्हां राज्यों च आसानी नाल दाखल हो जाते हैं, जिस कारण पुलिस ने चारे सूबे की पुलिस नाल तालमेल करके सरहदां नूं सील किया होया ते विशेष तौर पर सारे वाहनों की चैकिंग भी की जा रही है ते शक्की व्यक्तियों तो पुछगिछ की जा रही है। तस्वीर जो तुसी देख रहे हो वह मोहाली दियां भी ने ते श्री मुक्तसर साहब दियां भी ने, जिथे पुलिस वालों चैकिंग की जा रही है अते होर भी जिलों च पुलिस वालों ऑपरेशन सील के तहत यह चैकिंग की जा रही है। इत्थे तुहानू यह जानकारी भी दे दईए कि सीएम भगवंत मान वालों भी 15 अगस्त नू यह कहा गया सी कि पंजाब पुलिस नशिया नू लेके जल्द ही वड्डी कार्रवाई करेगी अते उन्होंने सारा ताना बाणा तैयार कर लिया अते उन्होंने यह भी कहा सी कि असी आउंदी 15 अगस्त तक चिट्टे दा कलंक धो देंगे, तो उस तो बाद यह वड्डी कार्रवाई है जिहड़ी पुलिस की देखने मिल रही है। तो नशिया तहत सारा ऑपरेशन चलाया जा रहा कि नशिया ते ठल पाई जा सके, जिस दे तहत वख-वख जिलों च नाकेबंदी पुलिस वालों की हुई है। जिथे पूरे पंजाब दे विच पंजाब पुलिस अते नाल दे लगदे सूबियां दे वल्लों मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन सील चलाया जा रहा, जिस दे तहत दूजे सूबियां तों पंजाब दे विच आउण वाले नशा तस्करां ते शरारती अंसरां दे उपर नकेल कसण दे लई इह ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा। इस समय मौजूद आ ज़िला श्री मुक्तसर साहब के किल्याली बार्डर के उत्ते, जिथे पंजाब पुलिस का पक्का नाका हुंदा, पंजाब पुलिस के वलों जो पक्की चैकिंग की जाती है हरियाणे तो या राजस्थान तो आने वाली गड्डियां दी, जो उधरले दूजे सूबे तो हरियाणे या राजस्थान तो पंजाब दे विच एंटर हुंदे ने उन्हां दी चैकिंग हुंदी है, जो पंजाब तो राजस्थान दे विच एंटर करदे ने उन्हां दी विचों चैकिंग हुंदी है। मैं साथी नूं कहूँगा कैमरा घुमा के दिखाउण के दू किस तरह के पुलिस मुलाजम अपने ड्यूटी के उपर तैनात ने, दोनों स्टेटां दे मुलाजम है, हरियाणा राजस्थान पुलिस दे इत्थे मुलाजम तैनात ने कि अपनी जो ड्यूटी आ वह निभा रहे हैं, तो नाल ही नाल वड्डे वाहनों की छोटे वाहनों की चैकिंग की जा रही है। सामने तुसी देख सकते हो कि बलैरो पिकअप है, हरियाणा पुलिस के जवान इत्थे मौजूद ने, नाल ही नाल पंजाब पुलिस के जवान भी इत्थे मौजूद ने, मिल करके वाहनों की चैकिंग कर रहे हैं। तो नाल ही नाल जे गल करां तां नशे के उपर नकेल कसण नूं लैके यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा, तो शरारती अंसरां नूं नथ पाउण दे लई ऑपरेशन चलाया जा रहा। यह ऑपरेशन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक चलेगा, जिस दे विच जे गल करां तां SP डी रमनदीप सिंह भुल्लर अते DSP मलोड़ दे वल्लों इस दी ऑपरेशन की अगवाई की जा रही है। तो पूर्ण तौर पर बरीकी दे नाल वाहनों की चैकिंग की जा रही है, कोई इतराजयोग समान या कोई वस्तु ना गड्डी चो मिले। तो दूसरी गल जे हुण देखना यह होगा कि शाम तक ये चलन वाले ऑपरेशन दे विच जे गल करां तां की कुछ सामने आउंदा है। श्री मुक्तसर साहिब तो अशफाक टूडी वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़। जिहड़े गैर समाजिक जिहड़े तत् इन्हां नथ पाउण दी कोशिश की जा रही है, तो एक साडा जिहड़ा लोकां नूं इह सुनेहा पेश करन दी साडी जिहड़ी आ प्रोसैस आ, भी नहीं तां किसे माड़े बंदिआं दे मन 'च वहम हुंदा भी जिहड़ियां स्टेट बाउंडरीज़ ने
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਕੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, 4 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।